अस्सलाम वालेकुम आज मैं आपके लिए मकई की रोटी और देसी सरसों के साग की रेसिपी लेकर आई हूँ आज मैं आपको साग बनाना सिखाऊंगी किस तरह इसको छीलते भी हैं काटते भी हैं और बनाते भी हैं और मकई की रोटी भी बहुत ही बड़ी और बहुत ही मज़े की बन जाएगी टूटेगी नहीं बिल्कुल भी ये हमारे पास है देसी सरसों का साग है ये हमें गाँव से गिफ्ट हुआ है गंदलों वाला साग है बहुत ही टेस्टी बना है ये इसको हम छील के गंदल को बनाएंगे तो इससे बहुत ही जो है ना सॉफ्ट सा साग बनेगा ये जो रेशे रेशे होते हैं ना सख्त से ये हम सारे उतार देंगे और गंदल को अच्छी तरह छील के तो फिर बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बहुत मज़े का ये हमारा साग तैयार होगा आपने मेरी रेसिपी को फुल वॉच करना है ये देखें ये जो टहनी होती है गंदल के साथ जो पत्ता लगा होता है ना इसके ऊपर जो टहनी होती है वो आधी आधी टहनी आपने उतार देनी है उसमें बहुत ही सख्त से धागे से होते हैं वो गलते नहीं हैं और अच्छी तरह ये ना गंदल को ऐसे छील लेंगे हम ऐसे छीलते जाएंगे और ये सारी जो है ना उतरती जाएगी इस तरह सब गंदलों को छील के तो फिर हम काटेंगे तो फिर साग बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी हमारा साग तैयार होगा ऊपर से सारे जो है ना ये धागे वगैरह इसके उतार देंगे गंदल के जो छिलका होता है और नीचे से पत्ता वगैरह हम साथ रखेंगे और गंदलों को ऐसे जोड़ के तो हम इनको काट के बनाएंगे ये पालक भी है पालक को हमने इस तरह सारा काट के रखा हुआ है अब हम साग को भी इसी में काट लेंगे बहुत ही टेस्टी और बहुत मजे का जो ना हमारा साग तैयार होगा ये बाथू है बाथु को किस तरह बनाते हैं इसके तकरीबन आधी टहनी ऊपर वाली जो होती है ना जड़ के साथ वाली यह थोड़ी सी सख्त होती है और जिस हाँ, पत्ते वाली जो हिस्सा होता है ना वो आधा आधा वो नरम होता है ऊपर से हम पत्ते उतार लेंगे और जिसके साथ जड़ लगी होती है वो आधी सी टहनी भी उतार देंगे नीचे नीचे पत्ते हम इसके हाथ में इकट्ठे करते जाएंगे बाथू डालने से साग बहुत ही सॉफ्ट मुलायम मज़े का बन जाता है तकरीबन चार किलो हमारा साग है आधा किलो बाथू है और एक किलो जो है ना वो हमारी पालक थी इन सब को हम अच्छी तरह काट लेंगे बाथू को हम अलग रखेंगे इनमें ना रेत बहुत होती है इनके पत्तों में तो इसको हम अलग से वॉश करेंगे बहुत ही मज़े का फ्रेश साग जो है ना ये हमें गांव से मिला है आपने मेरी रेसिपी को फ़ॉलो करके बनाना है आपका भी साग बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़े का बनेगा साग को हमने अच्छी तरह वॉश कर लिया साग ज़्यादा था इसलिए मैंने प्रेशर में पानी डाल के तो उसको बॉयल आने के लिए रख दिया जब बॉयल आता है तो इसके पत्ते थोड़े बैठ जाते हैं फिर और इसमें हम साग डाल देंगे अच्छी तरह बॉयल हो जाएगा तो फिर जो है ना स्पेस बनती जाती है और इसमें साग ऐड करते जाएंगे धुलावा जूं जूं गर्म होगा तो तो इसके पत्ते जो है ना वो सॉफ्ट होकर नीचे होते जाएंगे इसको हम एक घंटे के लिए वेट दिलवाने के लिए रख देंगे प्रेशर की सीटी जब चाल जाए साथ ही हम मकई के मकई का आटा गूँध लेते हैं दो कप मैंने मकई का आटा लिया और एक कप गंदम का आटा है और थोड़ा सा नमक लेंगे इन सबको अच्छी तरह हमने छान लिया था और मिक्स करके नीम गर्म पानी से हम गूंध लेंगे जिस मकदार में आपने मकई का आटा लेना है उससे हाफ मकदार में आपने गंदम का आटा डालना है इससे जो है ना बहुत ही अच्छी रोटी बाइंड हो जाती है टूटती नहीं है नीम गरम पानी से हम इसको गूँंदेंगे और मसल मसल के जो है ना हथेली से मसल के ऐसे मकई के आटे को मत जितना मसलेंगे ना उतना जो है ना वो रोटी टूटेगी नहीं फिर हमारी और बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ मैं आपको मकई की रोटी बनाना सिखाऊंगी बड़ी सी भी रोटी बन जाएगी टूटेगी भी नहीं और बहुत ही मज़े की बनेगी तकरीबन पाँच से सात मिनट तक हमने अच्छी तरह इस मकई के आटे को गूँधना है अब हम इसको साइड पर रख लेंगे और सब्ज़ मिर्चों को हम पीस लेंगे इसकी हमने डंठियाँ उतार के इसको वॉश कर लिया ब्लेंडर जग में डालेंगे थोड़ा सा पानी बस डालेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे ये हमने सब्ज मिर्च की पेस्ट बना के रख लिया अब ये देखें साग हमारा गल गया ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से साग गल गया अगर इसमें पानी हो तो थोड़ा सा आप वेस्ट करना चाहें वेस्ट कर दें दे, खुश्क, खुश्क करना चाहें खुश्क कर लें और इसको हमने अच्छी तरह जो है ना मदानी मार के ना तो इसको मदानी के साथ हम मस लेंगे तो ये अच्छी तरह फेंट जाएगा जितना जो है ना वो गंदल इसकी छीली होगी ना तो ये साग बहुत अच्छे तरीके से घुट जाएगा ऐसे गुटने की मदद से या मदानी की मदद से इसको प्रेस करते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं और इसको साग को और ज़्यादा सॉफ्ट मुलायम बनाने के लिए हम इसमें आधा कप गंदम का आटा डाल देंगे गंदम आटा डाल के आपने इसको फ़ौरन से मिक्सअप कर लेना ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने ये देखें कितना सॉफ्ट हो गया है अब हम इसको चूल्हा जला के तो इसको पकाएंगे साथ साथ ताकि मकई जो गंदम आटा हमने डाला है उसका कच्चा पन ना महसूस हो चार से पाँच मिनट तक इसको हम अच्छी तरह पका लेंगे ये देखें साग हमारा बहुत अच्छे तरीके से घुट गया अब हम इसको तड़का लगा लेते हैं जितना आपने साग खाना ये साग हमारा ज़्यादा था इसलिए हम सारे को तड़का नहीं लगाएंगे देसी घी को हम गर्म करेंगे और पहले हम डालेंगे लहसन कटा हुआ लहसुन गोल्डन हो जाएगा फिर हम इसमें कटी हुई अदरक डालेंगे अदरक भी हमने डाल दी है साग को जितना आपने खाना हो ना फ्रेश उतने को हम तड़का लगा के खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा हंसबे ज़रूरत आप इसमें सब्ज़ मिर्च पिसी हुई डाल देंगे और नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें आप भी नमक को भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और जो हमने घोट के रखा हुआ है साग वो हम इसमें डाल देंगे बहुत टेस्टी बहुत मज़े का जो है जो, जो, जो हमारा घर में साग तैयार हुआ है इसको एक से दो मिनट तक पका लेंगे ताकि सब्ज़ मिर्च का फ्लेवर जो है ना साग में अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए ये साग हमारा तैयार हो गया है अब हम मकई की रोटी बना लेते हैं मकई का आटा हमने गूंद के रखा हुआ था एक दफ़ा हम इसको फिर मसल लेंगे ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाए और छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे जिस हिसाब से आपने रोटी बनानी है उस हिसाब से आप पेड़े बना लें तवे को हमने गर्म होने के लिए रख दिया पेड़े हमने कर लिए अब हम एक शॉपर बैग लेंगे इसकी हम ऊपर से कटिंग करके ना इसको खुला सा बना लेंगे और दरम्यान में रखेंगे मकई का आटे का पेड़ा और पहले इसको हाथ से हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे रोटी की शेप आ जाए थोड़ी सी बाकी हम बेलन से इसको गोल कर लेंगे बहुत ही इजी ट्रिक के साथ ये मकई की रोटी बन जाती है जितना बड़ा बेड़ा पेड़ा लेंगे उस हिसाब से आप मकई की रोटी बड़ी भी बनाएंगे तो टूटेगी नहीं ये देखें अच्छी तरह हम इसको बेल लेंगे जितना पतला करना चाहें पतली भी हो जाती है और बड़ी भी बन जाती है इस तरह हम इसको अब हाथ पे ले लेंगे और तवा हमारा प्री हीट था इसके ऊपर हम डाल देंगे इसका पराठा बनाना चाहें तो इसको ऊपर ही घी लगा दें मैं ऊपर मक्खन लगाऊंगी इस तरह हम खुश्क मकई की रोटी बना के इसके ऊपर मक्खन लगा लेंगे बहुत टेस्टी ये मकई की रोटी भर में बन जाती है आपने भी मेरी रेसिपी को फॉलो करके ज़रूर बनाना है साग भी बनाएं और मकई की रोटी भी बनाएं। ये देखें मकई की रोटी बहुत अच्छी बन गई है इसके ऊपर हम मक्खन लगा लेंगे फ्रेश मक्खन है दूध के ऊपर जो बलाई आती है उसको अब ब्लेंडर जग में डालें थोड़ा सा पानी डालें और ये मक्खन तैयार हो जाता है ऊपर से मक्खन आ जाएगा नीचे से लस्सी आप पी लें ये हमारा साग भी तैयार है गरम गरम साग के ऊपर मक्खन का टुकड़ा रखें एक और मकई की रोटी के ऊपर भी मक्खन लगाएं और खाएं अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी रेसिपीज लेकर आती हूँ और बहुत अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ लाइक शेयर कर दें अल्लाह हाफिज़